सहारा समूह के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष सुब्रत रॉय का 14 नवंबर को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण निधन हो गया। सुब्रत रॉय के निधन की खबर सुनकर उनके चाहने वालों में शोक का माहौल है। 75 वर्षीय सुब्रत रॉय कई बीमारियों से पीड़ित थे। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें 12 नवंबर को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के चलते उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म निर्माता आकाशदीप साबित ने शोक व्यक्त किया है। तबीयत थोड़ी बिगड़ी परसों, हाँ तो आए, पर वही हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेबल होके जाएंगे, बट अचानक आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे लिए तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं और मैं बोल कह सकता हूँ कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए और हर पर्सन जो उनसे जुड़ता था, उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक एक का ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग। हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। सत्या फाउंडेशन के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने दिवंगत सुब्रत रॉय के सफर पर बात की और उन्हें नमन किया। आज का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए, मैं कहूंगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूं। ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे, ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का, हजारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूं और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है। मैं बनारस में रहता हूं, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है। आपको बता दें कि दिवंगत सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर आज लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।